नमस्कार दोस्त, सबका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और इतने वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्त, आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे और किस विषय में बात करेंगे, ये आप लोगों ने जान ही लिया है। एक्चुअली अभी रपीपे का डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल आईडी फ्री में है और आप वो खुद ही आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो किसी सुपार की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। वो कैसे आप बनाएंगे, उसका प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले बता दूं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बनके अगर रिटेलर बनाते हैं फ्री में, तो भी वो उस रिटेलर से कमीशन के साथ साथ 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। पहले क्या होता था, 200 रुपए खर्चा करके आईडी खरीद के रिटेलर बनाया, फिर वो ट्रांजेक्शन करेगा, फिर हम कमीशन कमाएंगे। अब है कि आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनो, फ्री में रिटेलर बनाओ और उसी रिटेलर से ट्रांजेक्शन को छोड़ के, ट्रांजेक्शन में कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको छोड़ के भी आपको अलग से 200 रुपए कमाई करने का मौका मिलेगा। आप कमाई कैसे कैसे होंगे, किस महीना कैसे मिलेगा, क्या कंडीशन, इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। मैंने जस्ट आप लोगों का इंटरेस्ट के लिए बता दिया कि इस तरह का प्रोसेस शुरू हो चुके हैं और ये आप काम काल से ही कर सकते हैं। पर मैंने जो बोला 200 रुपए कमा सकते हैं, वो स्कीम एक तरह से शुरू होगा। बाकी फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनना, फ्री में रिटेलर आईडी बनाना, ये सारा काम आप वीडियो आज देख रहे हैं ना, आज शायद आप 30 तारीख है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं 29 तारीख रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा लोग 30 तारीख को देखेंगे, 31 तारीख को देखेंगे। पर एक तरीके से स्कीम शुरू होगा, पर काम जो है वो शुरू हो चुका है, स्कीम शुरू एक तारीख से होगा। तो यही है वीडियो का और ये स्कीम का मुद्दा विषय, क्या आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनो। किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं, किसी को व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, बस बनाने के लिए जो प्रोसेस फ्लो है उसको आप फॉलो करो। ये प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपको रिटेलर बनना होगा, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, उसका प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रोसेस एक ही है, बस दो लिंक रहेगा, एक लिंक रहेगा रिटेलर बनने का और एक लिंक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। एक लिंक से अगर प्रोसेस करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, एक लिंक से अगर आप प्रोसेस करोगे तो रिटेलर बनोगे, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको करना होगा प्रोसेस। आगे की प्रोसेस हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोसेस है वही प्रोसेस मोबाइल में भी है। मोबाइल पे थोड़ा इजी है कि आप फोटो तुरंत खींच सकते हो या खींच के मोबाइल पे रख सकते हो। मोबाइल से करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि डॉक्यूमेंट वगैरह ना ढंग से आप अपलोड कर पाओगे। पीसी में पहले से फोटो खींच के रखना होगा, तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल से ही करना बेहतर रहेगा। मैं पीसी से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बारीकी से मैं दिखा सकूं। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस फ्लो है। सो चले आए हम प्रोसेस फ्लो में। प्रोसेस फ्लो में जरा आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरह का, एक रिटेलर के लिए होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। वो मैं लिख दूंगा कि किस लिंक पे आपको जाके बनवाना है। एक चीज का ध्यान रखिए, जो लास्ट जो यहाँ पे नंबर है 2110801, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को जो है आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अगर आप पीसी से कर रहे हैं या फिर अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हो तो इसको आपको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं इस नंबर को यहाँ पे जरा नोट कर लेता हूं, कॉपी मैंने नोट कर लिया और इस लिंक पे क्लिक कर दे। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे agent.rapipay.com/site खुल गया और यहाँ पे रेफरल कोड मुझे सबसे पहले बिठाना पड़ेगा। वो ठीक ठाक बिठाना है, नहीं तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। फिर जो करना होगा, डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जिनका पहले ही रापीपे पर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर आईडी बना हुआ है, जिसका रिटेलर बना हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, जो डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है वो रिटेलर नहीं बन सकता। मतलब जो एकदम से फ्रेश बंदा है उसी के लिए ही ये संभव है। जिनका नंबर ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया है, आपको दोबारा किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर के पास जाके बनवाना होगा। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप वोटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आप डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे आपको इसका नंबर बिठाना होगा। ठीक है, फिर आपका मोबाइल नंबर 1234567891010 आपको बिठाना है। फिर पैन कार्ड SDER AB C
सी डी 1 2 3 4 P और रेफरल कोड बिठाने के बाद जब आप 9 1 ABCABRCD चलिए रेफरल कोड आप यहाँ पे बिठा दिए हैं 2110801 बिठा हुआ है, ध्यान रखिएगा वो रहना ही रहना है, नहीं तो आगे काम नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको सपोर्ट भी तो मिलना है। फिर आपको 91958 ये बिठाने के बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे ठीक है, यहाँ पे बोल देगा आपका कि पैन नंबर इज रॉन्ग, ये मैंने पैन नंबर ABCD डाला इसलिए ये ऐसा आ रहा है। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे कंप्लीट ओके होके एक नया पेज खुल जाएगा। अब मैं दिखाता हूं आपको कि जो पेज यहाँ पे खुलेगा वो ठीक देखने में कैसा होगा ठीक है, क्योंकि YouTube में एक नया सिस्टम आया है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं लोगों को तो आपका आईडी जो है वो बैन हो सकता है, और बैन कर भी दिया है। आप लोग जानते हैं टैग बंशी का चैनल ब्लॉक हो गया, RNFI का चैनल अभी ब्लॉक्ड है, ऐसे बहुत सारे कारण, और नया नियम YouTube ने लागू किया जिस वजह से बहुत चैनल जो है ब्लॉक हो रहा है। पता नहीं मेरा भी कब ब्लॉक हो जाए क्योंकि किसी को पता नहीं है, हम लोगों में शायद कितने गलती, हमने भी बहुत सारा गलती किया होगा। ये भी है किसी का डॉक्यूमेंट का नंबर नहीं दिखना चाहिए वीडियो में ठीक है। सो चलिए एक बार यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पे आपको रेफरल कोड बिठाना है जो मैंने दिखाया आप लोगों को, और पैन नंबर मोबाइल नंबर सब कुछ बिठा के जैसे आप सबमिट करेंगे ना आपके पास जो पेज खुल के आएगा वो पेज कुछ इस तरह का होगा। इस पेज पे आके आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो मोबाइल आपने यहाँ पे बिठाया है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP को यहाँ पे आपको बिठाना पड़ेगा। जिससे OTP बिठा के आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे आपके पास पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगा ठीक है। ये पेज आपके सामने आ जाएगा, और ये पेज जब आपके पास आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर का नाम वगैरह यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है, उनका नाम शो हो रहा है, आधार से वो नाम ऑटोमेटिक ले लेता है, नाम वगैरह शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ हो जाएगा। एड्रेस नहीं आता है तो एड्रेस आपको फिल करना है। इस पेज पे आपको सारा एड्रेस जो है जितना होता है उतना तो दिखेगा, नाम शायद दिख सकता है आपको, नहीं भी दिख सकता है आपको, एज पर डॉक्यूमेंट सारा नाम, आपका पिन कोड नंबर, आपका सिटी, आपके एरिया टाइप रूरल है या फिर अर्बन है, और आपका एड्रेस जो है यहाँ पे बिठाना पड़ेगा ओके। फिर बिठाने के बाद आपको चलाना है नीचे, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपलोड आधार का फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करना है, बैक साइड आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पैन कार्ड का आइडेंटिटी मतलब पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, लाइव फोटो विद डॉक्यूमेंट, लाइव फोटो विद डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा लाइव फोटो विद डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप जो फोटो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो फोटो एकदम से ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ सके। लाइव फोटो एक डॉक्यूमेंट का एक फोटो देना है, जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप आधार और पैन कार्ड से डॉक्यूमेंट आईडी बना रहे तो आपको आधार और पैन हाथ में लेके एक फोटो डालना है। फोटो किस तरह से होगा मैं जरा आप लोगों को बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम वगैरह और डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह ढक दिया है क्योंकि ये बहुत इलीगल हो जाएगा YouTube की लॉ के तहत। सो आप देख सकते हैं कितना क्लियर है। अगर कस्टमर का फोटो थोड़ा ब्लर आए उस समय, डॉक्यूमेंट के साथ फोटो जिस समय लेगा उस समय थोड़ा कस्टमर का फोटो ब्लर आएगा तो कोई इशू नहीं, पर डॉक्यूमेंट पे जो भी डिटेल है वो डिटेल क्लियर पर ना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्लियर है सारा डिटेल। सो ध्यान रखिएगा डिटेल जो है वो क्लियर में दिखना चाहिए, इस तरह का एक फोटो जो है वो आपको वहां पे अपलोड करना होगा। और इसके बाद फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बिजनेस डिटेल डालना है, शॉप नेम डालना होगा, आपका पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी डालना है, स्ट्रीट डालना है, शॉप तहसील, इसमें आधार ही रहेगा, सारा कुछ आधार रहता है। फिर आपको डालना होगा एक शॉप का फोटो ठीक है, एम्प्लॉई फोटो डालने की कोई जरूरत नहीं, शॉप विद कस्टमर एक फोटो डालेंगे, शॉप विद कस्टमर। वो फोटो कैसे होगा ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, शॉप फोटो कैसे होगा। सो यहाँ पे देख पा रहे दुकान के साथ कैसे फोटो होगा, फोटो जो है कस्टमर को दुकान के साथ विजिबल होना चाहिए प्रॉपरली, कस्टमर और दुकान दोनों प्रॉपर दिखना चाहिए, और इस तरह का एक फोटो वहां पे आपको अपलोड करना है। और ये अपलोड होने के बाद आपको कस्टमर का मतलब आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, एक पेपर में सिग्नेचर करके वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये डिजिटली बन रहा है तो आपको अपना सिग्नेचर जो यहाँ पे अपलोड करना होगा। शॉप एरिया टाइप फिर से यहाँ पे रूरल डालना है। इसके बाद शॉप तहसील आधार ही रहेगा, शॉप फोटो जो यहाँ पे दिया वही एक इसका एक छोटा पार्ट नीचे चला आया है। और ये सब आने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पे विजिबल होगा, आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट है ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड आपका आधार कार्ड सारा कुछ यहाँ पे होगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है, और सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आर यू श्योर प्रोसीड टू सबमिशन ऑप्शन आएगा,
वहां पे अगर सबका आपका दिया हुआ सारा डिटेल अगर ठीक ठाक है, देने के बाद आपको यस में डाल देने। जैसे आप यस डालेंगे इसका अप्रूवल हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम अपने पोर्टल में जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, हम अपने पोर्टल में जाके चेक कर लेंगे कि आपने जो एप्लीकेशन किया है वो सही है कि नहीं। वो हमारे पोर्टल में कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपने सारा कुछ सही तरीके से डाल दिया है तो। अगर आपने गलत किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत कुछ भी मत डालिएगा, डिटेल बराबर डालिएगा। कैसे फोटो डालना होगा इसका फोटो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, किस तरह का क्लियरिटी चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है। ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आईडी जो है यहाँ से बन जाएगा। और सेम प्रोसेस से रिटेलर लिंक से अगर आप सेम प्रोसेस करते हैं तो आपको जो है रिटेलर आईडी मिल जाएगा। यही सिंपल प्रोसेस है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप अपनी मर्जी से आराम से इस पॉलिसी को कंप्लीट करके अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना रिटेलर आईडी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूं आपको डिटेल अच्छा लगा है, और आपको आगे कुछ मदद चाहिए तो जरूर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और जिनको भी सुपर डिस्ट्रीब्यूशन लेना है वो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रैपिपे का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही आईडी प्रोवाइड करते हैं। सो जिनका अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है रैपिपे के साथ, अगर रिटेलर है तो रिटेल आईडी से शुरू कीजिए, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से शुरू कीजिए, और जो जिनका सुपर है अगर आपके पास अच्छा खासा रिटेलर बेस है अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो हम भी आपको फ्री में सुपर डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रूव करा दूंगा। पर एक बात ध्यान रखिए, ये तभी फ्री में हो सकता है जब आपके पास एक अच्छा खासा रिटेल बेस होगा और इसका प्रूफ आप हमें दे सकते हैं। अदरवाइज आप खुद का इन्वेस्ट करके माइक्रो एटीएम बुकिंग करके आप सुपर बन ही सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर एक बार वीडियो में लाइक करेंगे, और किसी भी चीजों का हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी मैं शेयर करूंगा, जरूर इस लिंक पे आप क्लिक करके मुझे आपकी मन की बात बताइएगा। इसके अलावा इस कंपनी ये मार्केट की रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो जैसे माइक्रो एटीएम फिंगरप्रिंट डिवाइस प्रिंटर, इसके लिए अब हमारा जो वेबसाइट है teamtechsupport.online, मैं थोड़ा साइट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारा जो साइट है teamtechsupport.online, उस साइट पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट को भी यहाँ से ही बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहे रिचार्ज पोर्टल हो, किसी बैंक पोर्टल हो, आपका प्रिंटर चाहिए हो, पेपर रोल चाहिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस प्रिंटर कुछ भी चाहिए माइक्रो एटीएम, आप इसी साइट में जाके बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और वीडियो में मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए, सारे डिटेल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस विषय के ऊपर फिर और भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए और अपना रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आईडी को जो है आप ऑनबोर्ड कर लीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।